नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शुभ स्टॉक में, जहां पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी 20 मार्च के लिए कहां पे ट्रेड कर सकता है। आइए उससे पहले हम ये जानते हैं कि हमने 25 मार्च के लिए क्या प्रेडिक्ट किया था एंड मार्केट में मोमेंटम कैसे रहा। मार्केट में हमने क्लियर कहा था कि मार्केट जो रह सकता है 35,800 के बीच से 35,330 के बीच में रह सकता है, और आज मार्केट लगभग बैंक निफ्टी 35,000 का होने के बावजूद पूरे दिन भर बस इन्हीं 500 पॉइंट में मूव करता रहा। हमारी जो लेवल थी 35,800, मार्केट आज उसने जो हाई भी दिया हुआ 35,700, लेकिन जो 500 पॉइंट्स से बराबर अगर हम इसके लो भी देखेंगे तो 35,200 का ही है। सो 35,300 का ही है, या फिर जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बराबर मार्केट ने हमारे 500 पॉइंट जो प्रेडिक्ट किए हुए थे एग्जैक्ट उसको पकड़ा है। अब जानते हैं कि हमारा कल का व्यू क्या रह सकता है, यानी कि मंडे का बैंक निफ्टी में हम क्या लेके ट्रेड कर सकते हैं, और पर्सनली मेरा ओपिनियन क्या रहेगा। बैंक निफ्टी अगर हम एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो धीरे धीरे करता हुआ एक डाउन साइड की मोमेंटम वो कर रहा है। यहाँ पे एक धीरे 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 करके मार्केट डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। सो जो मेरा पहले सपोर्ट था 35,300, उससे पहले मेरा सपोर्ट था 35,800, और ऐसे ही धीरे धीरे मार्केट क्योंकि नीचे आ रहा है, हमारा हर बार सपोर्ट एक बढ़ता जा रहा है नीचे के साइड पे। मंडे के लिए जो मेरा स्ट्रांग सपोर्ट है वो है 35,080 का, यानी कि यहाँ पे 35,000, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। जी, हमारी जो नीचे लेवल है अभी सपोर्ट के लिए मंडे के, वो रहेगी 35,000 के पास, और जो हमारा रेजिस्टेंस है सेम कंटिन्यू रहेगा 35,800 का। जब तक हमारी 35,800 वाली लेवल ब्रेक नहीं होती है, क्योंकि मैक्सिमम हमने पहले ही कहा कि हम सिंपल सा मार्केट में ये देखते हैं कि बायर्स और सेलर्स कहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेट है, और 35,800 की लेवल जो है वो पूरे दिन भर आज टच भी नहीं की, वहाँ पे आया भी नहीं, ऐसे ब्रेक भी नहीं किया। सो हमारी जो मंडे के लिए जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो यही रहेगा कि अगर 35,800 के पास मार्केट आता है, मैं यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ मार्केट में नीचे के लिए। एट द सेम टाइम अगर मार्केट में बैंक निफ्टी अगर 35,000-35,050 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है, तो मेरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की देख सकता हूँ मैं। अभी यहाँ पे एक सिंपल है क्यू, क्योंकि यहाँ पे मैं जब जब अगर इसको मैं एक बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊँ, तो जब भी हमारी डिमांड एंड सप्लाई के रूल के हिसाब से हम देखते हैं कि मार्केट में कहाँ सबसे ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स एक्टिवेट है, यहाँ पे आप कोई लेवल देख लीजिए, हर लेवल के पास जहाँ पे कैंडल टच हो रही है उसके बाद एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट ऊपर साइड में या फिर एक काफ़ी अच्छा डाउन साइड में हमें दिख रहा है। सो बायर्स जो है हर 200-300 पॉइंट्स के पास एक्टिवेट रहते हैं, जैसे जैसे मार्केट मोमेंटम करते रहती है। मंडे में ओवरऑल अगर मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ, जब तक 35,000 के अबव मार्केट चलता रहेगा। मार्केट अगर 35,000 या फिर 35,050 की लेवल ब्रेक करता है, मैं 34,900 ये लेवल मेरी सस्टेनेबल अगर होती है तो भी मैं कॉल में रहूँगा, और अगर 34,900 की लेवल ब्रेक करती है तो मेरी सिंपल है, मेरा कॉल का कोई इरादा नहीं रहेगा, मेरे पास कॉल की कोई पोजीशन नहीं रहनी चाहिए, मेरा जो व्यू रहेगा वो सिर्फ सेलिंग साइड का रहेगा 34,940 के पास। जी, तो सिंपल है, मार्केट मंडे को जैसे कहा है प्रीमियम के साथ ट्रेड करेगा, तो बहुत सारे रिटेलर्स के लिए या फिर जो कैपिटल थोड़ा नॉर्मल डिसेंट लेके आते हैं उनके पास क्वांटिटी, आप डिसेंट क्वांटिटी में ट्रेड करिए, यही रहेगा। और जो अपॉर्चुनिटी जो भी मैं यहाँ पर देता हूँ, अगर आप ये अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर इनकी लाइन भी अगर ड्रॉ करके रखते हो तो भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है कि आप इसमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए, मार्केट में क्या है। आपको बस एक ही देखना है कि अगर ये ट्रेडिंग जो भी मैं ट्रेडिंग लाइन आपको बताता हूँ, अगर किसी बड़े कैंडल के साथ, अगर ऐसे कैंडल के साथ अगर ब्रेक हो रहा है तो ही अपना रिवर्स का व्यू रहेगा। अगर यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल फॉर्म होती है जहाँ पे कोई वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है एंड शैडो बहुत ज़्यादा है, तो अपना बाय ऑन डिप का ही अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू रख सकते हो आप। तो आप अगर अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल पर ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ करके रखिए एंड अपने प्रॉफिटेबल जर्नी के लिए कंटिन्यूस रहिए। सो ये रहा मेरा व्यू मंडे के लिए। प्लीज़ लाइक द चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी मेरे कोर्स के बारे में या फिर अगर आपको कोई व्यू जानना हो इसके लिए, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना, आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू सो मच।